Hello children, how are you? God bless us. Let us start exercise 1.2, class 9th, NCERT math, page number 8. First question, state whether the following statements are true or false. Justify your answers. First part, for first sum, every irrational number is a real number. मतलब जो भी irrational number होगा वो एक real number है. हमने बताना है ये true है false. ये true है क्यों? Because collection of real numbers, जो real numbers है वो rational और irrational दोनों को मिलाकर ही बना है. उसमें दोनों है तो इसका मतलब जो भी इरेशनल होगा वो एक रियल होगा ही होगा. बिकॉज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल. क्योंकि जो रियल नंबर है उसकी कलेक्शन वो में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, इसलिए प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा. नाउ कम टू सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. अब आपने नंबर लाइन देख ली, नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. एम एक नेचुरल नंबर है. नंबर लाइन पे सभी टाइप के नंबर जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और पॉजिटिव नंबर भी. किंतु किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट, क्योंकि एम इज ए नेचुरल नंबर, वेयर एम इज ए एम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस नेगेटिव नहीं होता. फॉर नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव समथिंग के इक्वल नहीं होता. इसलिए ये पॉइंट, ये सेंटेंस इट इज फॉल्स. ठीक है, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट. Every real number is irrational number. ये कहता है कोई भी real number लो वो irrational होगा, false. क्योंकि हम example लेते हैं, 4 एक real number, आप सभी को पता है 4 एक real number है, क्योंकि इसको P upon Q form में लिखा जा सकता है, है? एक real number है, और 4 को हम 4 upon 1 लिख सकते हैं, यानी rational है. जबकि ये कहता है हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा, तो ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है, बट इट इज नॉट इरेशनल. तो इसलिए हम इसको फॉल्स कहते हैं. प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, वो रैशनल या इरेशनल दोनों में से कोई एक होगा, वो हर हालत में इरेशनल नहीं होता. सो इट इज फॉल्स. आई थिंक ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ दिस सम इज क्लियर एवरीवन. Students, second sum, exercise 1.2, are the square root of all positive integer irrational. ये कहता है कोई भी positive integer लें उसका square root irrational होता है. If not, अगर नहीं होता, give an example of the square रूट ऑफ ए नंबर. तो मुझे आपने एक एग्जाम्पल बताना है जिसका स्क्वायर रूट रैशनल होता है. तो नहीं होता, नो आ गया. हमने कोई भी इंटीजर सोच लिया, कोई पॉजिटिव इंटीजर सोच लिया. तो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर 16 मान लिया. आप 17 भी मान सकते थे, बट जब उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आप फाइंड करके बताओगे, यानी 44 समथिंग डेसिमल आएगा, वो भी आपका रैशनल ही है. तो हमने 16 माना ताकि सम को लेंथ ही ना करे, कोई भी सपोज कर सकते हैं, कोई एक परफेक्ट नंबर सपोज कर लिया. 16 सपोज कर लो, 4 कर लो, 9 कर लो, 25 कर लो, 36 कर लो. हमने 16 को सपोज किया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है? 4, विच इज रैशनल. तो यही पूछा था ना हमसे. इफ नॉट, give an example of the square root of a number that is a rational.
मैंने पूछा था भी ये कहता है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर स्केयर रूट इरेशनल होता है? नहीं होता। अगर नहीं होता तो आप एक एग्जांपल देके हमें बताओ। तो हमने एक एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर 16 लिया जिसका स्केयर रूट 4 होता है जो कि एक रैशनल है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये ऑलरेडी मैं इस प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जैसे आपने रूट 2 किया रूट 3 उसी मेथड से लगभग रूट 5 को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा मैंने अलग मेथड से बताया, वो रूट 5 पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम।